जेके न्यूज़ एक्सप्रेस के इस अंक में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अपने मोबाइल या लैपटॉप पर सब्सक्राइब के बने हुए बटन को क्लिक करें। ओ भाई, ये क्या कर रहे हो आप? हेलो, एक मिनट रुक जा। चलाते हुए और ये बदतमीजी से बातें करते जा रहे हो फोन पे, ये क्या है? आप मुझे बताइए सर। बाइक आज चला रहे हैं, आसे ही माँ पियो ने ले दी तेरी, तो उसको नो। हेलो, नहीं नहीं मेरी बात आप सुने ना, मैं सिखानी आसे की बाइक। हेलो हेलो, आज मिलके ये है आजकल की जनरेशन, क्या किसको समझाएं। बस यही पूछा कि मोबाइल लेके क्यों चल रहे हो, अब इनको पूछा और मुझे ही बता रहे हैं, ये पाठ पढ़ा रहे हैं। बाइक आपके बाप ने लेके नहीं दी, बल्कि हमारे माता पिता ने लेके दी है। आपके माता पिता ही रोएंगे, लेकिन समझाएगा कौन? चलो आगे देखते हैं, इन पुलिस वालों से ही बात करके देखते हैं। ओ जनाब, इसको पकड़े पकड़े, आप इसको पकड़े, ये क्या आप कर रहे हैं? ये क्या यहाँ से जा रहा है आपके पास से? क्या ऊपर चढ़ रहे हो? क्या हो रहा है जी आपको? आप मुझे बात कराएं, इसमें आए। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे सलूट मत कीजिए जी, ये हम चैनल के लोग हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपके पास से ये मोबाइल लेके बच्चे गए जी, और मैंने आपको बोला कि आप इनको पकड़िए, तो आप भी बातें कर रहे हैं फ़ोन पे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इनको आप नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा? ओ आओ एक मिनट, चाय शाह पीने हैं, नींबू कावा बड़ा मशहूर जी। नहीं नहीं, मेरी बात आप सुने, मेरी बात सुने, नींबू कावे की बात नहीं है मेरी, आप यहाँ बात करें मेरे साथ कि क्यों आपने इसको नहीं पकड़ा। ओ देखो जी, इन्हें क्या पकड़ना, कोई अफसर के जागत भी हैं, बड़े बड़े अफसर के बच्चे न, असें नौकरी करनी है या इन्हें पकड़िए, कल की कोई और बलंब खड़ा हो जाग, नौकरी करनी है असें। आप जब शपथ लेते हो नौकरी टाइम, तो तब आप क्या लेते हो कि हम अफसर को देख के चलेंगे? ओ जनाब क्या करिए, असें नौकरी करना बड़ी मुश्किल हुई है। कानून सबके लिए बराबर है, और ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट देखता हूँ मैं आप क्या करते हैं। आप, मैं इधर ही हूँ अभी, देख लेने हैं जी। ये देखिए जी, ये हाल है पुलिस का और यहाँ का अमले का। ये कहते हैं कि अब हम इनको पकड़ेंगे, शायद ये किसी अफसर का बेटा निकल आएगा। अगर अफसर का बेटा ही निकल आया तो क्या जवाब देंगे उनको, ये कहना है पुलिस का। चलो हम यहीं खड़े रहते हैं, थोड़ी देर के बाद और किसी को मिल के जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर आप क्या बात करते हो? ट्रैफिक का कंट्रोल है इधर। ओहो छोड़िए, देखिए अभी आपके पास से वही बंदे दो गए, अभी गए ना जी, तो आपने उनको सलाम किया। इसको मैं देख रहा हूँ काफी देर से, हेलमेट पहन के साथ आ रहे हैं, इनका फोन आया, इन्होंने साइड पे गाड़ी लगाई और बात की, आप इनको तंग कर रहे हैं। देखो मीडिया जी, जे पकड़ो तामी तो सारे मगर पे जाते हो, ते जे नहीं पकड़ो ते तामी मीडिया साड़ी खलासी नहीं करता, अस ते नौकरी करना मुश्किल हो ही पुलिस वाले। चलो ठीक है जी, आप चलिए, हम आपसे फिर बाद में बात करेंगे, पहले इनसे बात करते हैं। आइए दोनों। हाँ जी, आप ये बताइए, और आपको ये कब से समझ आई है? आपको घर से किसी ने बताया है कि ऐसे करना चाहिए, या आप खुद ही इस तरह के आप सर, क्या करते हैं? सर मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। ओके, तो सर ये तो अपनी समझ है सर, चलती चलती बाइक पे अगर हम कॉल अटेंड करेंगे उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, अपनी जान का खतरा है, ट्रैफिक का भी उल्लंघन होता है, तो इससे बेटर है कि पाँच मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट में हम यहाँ पे बाइक लगा के यहाँ पे स्टैंड लगा के उनको बोल सकते हैं कि 5 मिनट के बाद हमें फ़ोन कीजिए। बहुत अच्छे, मैं यही बताना चाहता हूँ उनको कि बाइक गाड़ियाँ ट्रैफिक बहुत होता है, वो गाड़ियाँ जब चलाते हैं बाइक मोबाइल यूज़ करते हैं या ऐसी कोई चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। जब भी आप गाड़ियाँ बाइक कोई भी चीज़ चला रहे हैं तो उस वक्त आप अपना मोबाइल बंद रखें, और अगर आप यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो गाड़ी साइड पर बाइक साइड पर लगा के अपनी कॉल अटेंड कर लें, फिर उसके बाद आप
अपनी गाड़ी जहाँ पे जाना है आप जाके वेट करें ताकि कभी भी कोई अनहोनी ना हो पाए, क्योंकि अगर कोई भी अनहोनी है उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, आपकी आपका नुकसान होगा, किसी का कुछ नहीं जाता। ये रही बात एक आम नागरिक की, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि ट्रैफिक का नियम और मोबाइल किस तरह यूज़ करना है उसके लिए उनको पूरी काम करते हैं, साइड पे गाड़ी लगाते हैं, उतरकर बातचीत करते हैं। यही सबके लिए चाहिए, ये नहीं हो कि कल को आप किसी को खो दें और खोने के बाद जो दुख होता है उसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता।